अकेला अब तो टेनिस कोर्ट भी पहुंच गए, अब तो खाना बंद कर, चलो उठ टेनिस खेलते हैं। क्या पता मेरी प्रैक्टिस करवाते करवाते तुझमें भी थोड़ी फुर्ती आ जाए। अरे उठ, खा खा के सिंगल से डबल बेड हो गया। मेरे पास बहुत फुर्ती है, यहाँ आते आते मैंने 3 तरबूज एकदम फास्ट खत्म कर दिए। टेनिस वैसे भी बोरिंग है, इधर से बॉल मारो फिर उधर से बॉल मारो, इधर से बॉल मारो फिर उधर से बॉल मारो, टक टक। इतना खाने के बाद अब नींद सी आई है। ओए बाद में सोना, और सुन, टेनिस में सिर्फ बॉल को मारना नहीं होता, दिमाग भी तेज चलाना होता है, ठीक है? लेकिन दिमाग को तेज चलाना क्यों है, दिमाग थक जाएगा तेज चल के। तू ऐसे तो नहीं मानेगा, मेरी सर्विस देख, रॉकेट से भी तेज है। अभी इसकी नींद उड़ाता हूं। मुझे जगाकर तूने अपनी हार को बुलाया है, अब मैं तुम्हारी टेनिस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, अब सर्विस कर। ये ले। फुटबॉल। बॉल कहाँ गई? कोई बात, ये चीटिंग है थकेला। तुमने एक बात सही कही थी कि टेनिस खेलने पर दिमाग चलता है, और मैंने अपने तेज दिमाग से तुम्हें चकमा दे दिया। नहीं भैया, गेम को हमेशा रूल्स के साथ खेलना चाहिए। ये हमें देखकर बात कर रहे? हाँ, अपना झगड़ा बाद में, पहले हम इस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुम्हें किसने परेशान किया है दोस्त, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिल्लू है भैया, मैं अपने जूते से परेशान हूँ। जूते से? आज मैं टेनिस मैच में जीत रहा था, और फिर अचानक मेरे ब्रांड न्यू जूते फट गए, और उसके बाद मैं मैच हार गया। बिल्लू भाई, हार जीत तो लगी रहती है, वैसे तुमने ये जूते कब लिए? आज सुबह। इतनी जल्दी फट गए? क्या तुमने दुकानदार को ये बात बताई? हाँ, मैं गया था उनके पास, उन्होंने कहा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। कमाल है, खराब माल बेचा फिर दादागिरी भी की। ये बताओ बिल्लू भाई, ये दुकानदार कहाँ मिलेंगे? हाँ, तुम्हारे जूते तो उसे एक्सचेंज कर नहीं होंगे। भैया आप लोग जाने दीजिए, चपलानी अंकल बहुत टेढ़े हैं। बिल्लू भाई, मैं हूँ थकेला। और मैं हूँ पकेला। हम दोनों भूत हैं। भूत? डोंट फियर बिल्लू, अच्छे भूत हैं, हेल्प करने वाले भूत। तो हम टेढ़े मेढ़े चपलानी से तुम्हारा नया जूता ले आएंगे, वो मिलेंगे कहाँ बस ये बता दो। चपलानी अंकल की दुकान यही पास में है, उनकी दुकान के पीछे जूते की फैक्ट्री है, वो वही मिलते हैं। आप ही जाओ उसके पास, मैं तो निकलता हूँ, बाय। थकेला पकेला, चपलानी के केस को मैंने यहाँ आते आते समझ लिया है, अब ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बिल्लू को उसका जूता वापस दिलवाते हैं, तो चलें। अरे चंदू, तू हमारा मंत्र भूल गए क्या? लू में पानी मिलाना है, मुनाफा डबल कमाना है, तुमने तो पानी नहीं मिला है बाबा।
कीड़ू, एक एक जूते में इतना गम, अगली बार इतना गम मुझे दिखाया ना तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा, जूता निकाल कर। पर मालिक, गम कम होगा तो जूता कमजोर बनेगा। अरे मेरे प्यारे डीड़ू, अगर जूता मजबूत हुआ ना तो हमारा बिजनेस कमजोर हो जाएगा। एक एक जूता दो दो साल पहनेंगे, नए जूते कैसे बेचेंगे फिर हम लोग, जूता निकाल के। भूत बॉस ये सिर्फ बिल्लू को ही नहीं सबको धोखा दे रहा है। मिशन चपलानी शुरू करते हैं। चलो चलो। अरे बाबा किधर गया था सबका सब? ये क्या मशीन ऑन करके गए सब? पैसे काट लूंगा सबके। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी। ओ नो, एक ड्रम ग्लू वेस्ट हो गया बाबा। अरे मेरे ग्लू में मेरा ही जूता अटक गया है बाबा। दे 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 दे। क्या हुआ शब्दी? आप ग्लू के ऊपर क्यों खड़े हैं जूता पहन के? गाड़े, मेरा जूता चिपक गया है इस ग्लू पैड को। जल्दी निकालो, मुझे जूता निकाल कर। शब्जी, मैं तो आपको जूता पहन के ही निकालूंगा। अरे दिमाग नहीं है क्या बाबा? ये तो मेरी आदत है बोलने की, जूता निकाल कर। तुम बस जल्दी जल्दी निकालो मुझे बाबा। ओके शब्जी। अरे कमाल का गाड़ है बाबा तू। अरे वड़ी, मेरा जूता फिर से चिपक गया। अरे बाबा ये मशीन किसने चालू की अभी? अरे गार्ड किधर चले गए? अरे बाबा जल्दी निकालो। अरे बाबा फौरन से खरीदा था, ये तो खराब हो जाएगा नहीं। चढ़िया। अरे अभी तो मेरा हाथ भी चिपक गया। अरे सर आप क्यों जूता बना रहे हैं? मेरे भाई जूता बना नहीं रहा, हाथ चिपक गया है जूते को। अभी निकाल देता हूँ सर। अरे ये तुमने क्या जूता फोड़ फाड़ दिया? बस अभी ग्लू लगा कर आता हूँ। अरे सर आप पॉलिश लगाने क्यों चले गए? मैंने देखिए आपका जूता जोड़ दिया, पर ये ग्लू नकली है। नकली? आपको ग्लू वाले ने बेवकूफ बनाया है। ऐसे ग्लू वाले को तो जेल हो जानी चाहिए, जेल। हाँ मेरे भाई हो जाएगी जेल, पर इस वक्त मुझे बस यहाँ से उतार दो। बस दो मिनट। अरे मैं क्वालिटी सेक्शन में जा रहा हूँ बाबा। अरे रुक भाई। अरे ये क्या हो रहा है? बेचारे जूते को अपने आप नाच रहा है। अरे कहीं भूत तो नहीं आ गया फैक्ट्री में? सर आपकी जूते को गम से जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर मिलावटी गम उसे जोड़ नहीं पाया। अरे बाबा जूता छोड़, तुझको ये हवा में तैरता हुआ जूता दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अरे यार तुझे दर्द नहीं लगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी तरह मैं भी भूत हूँ और हमें कोई नहीं डरा सकता क्योंकि हमारे पास भूत बॉस है। अरे भूत, भूत बॉस? भूत सिड, भूत सर, अरे आप लोग यहाँ आने की तकलीफ क्यों किया? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा बाबा, मैं किसको सताता भी नहीं हूँ। पर तुम लोगों को खराब जूते तो बेचते हो नहीं वाड़ी? क्या? बिलू ने अपनी मेहनत से जमा किए हुए पॉकेट मनी से जूते लिए, तुमने उसे ये खराब जूता बेचा।
उसके पैसे भी ले लिए, सामान भी गलत दिया, और जब वो वापस करने आया तो उसे भगा दिया। सॉरी भूत बॉस, अगर मैं मजबूत चप्पल बनाऊंगा तो चप्पल टूटेंगे नहीं तो कोई आगे से चप्पल या जूते नहीं खरीदेगा। बिजनेस की बात है ना बाबा। चपलानी, अगर तुम मजबूत जूते और चप्पल बनाओगे तो इस शहर में तुम्हारा नाम होगा, दूसरे शहरों से तुम्हारे जूतों की डिमांड आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं आपकी बात समझ गया भूत बॉस, जूते निकाल कर मैं आज से अपने सारे जूते बेस्ट क्वालिटी वाले बनाऊंगा और अपने सारे कस्टमर्स को फ्री रिप्लेसमेंट दूंगा, सबसे पहले बिल्लू बेटा को। शाबाश चपलानी। बिल्लू बेटा, तेरा फटा हुआ जूता मैं फ्री में रिपेयर करके दूंगा, चपलानी का गारंटी है बाबा। ये ले नया A1 जूता पहनकर मेडल लेकर आ जूता निकाल के। अंकल, जूता निकाल दूंगा तो खेलूंगा कैसे? हाहाहाहाहा